बाकी देखो खुशी के हाथ में ये फ्राई मोमो, और कैसा है टेस्ट यहाँ का है। और देखो वहाँ पर कुछ फंक्शन हो रही है, वहाँ भी हम लोग अभी जाएंगे। बाकी आज है फर्स्ट जनवरी और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमें 2 जनवरी को देख रहे हैं और फर्स्ट जनवरी के दिन हम लोग नहीं ले जा रहे थे, नहीं गए थे कहीं पर, इस वजह से हम लोग अभी मार्केट आए थे। और खुशी देखो मेरा रिसेट ये भी कर रही है, और हम और बाबू अभी मजे कर रहे हैं। बोलो बेटा सबको हाय, बोलो बाय। खुशी का भी मोमोज यहाँ ख़त्म होने वाला है और इधर हमारा मंचूरियन भी तैयार हो चुकी है। नहीं नहीं खा लो, दे 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 दो, रख दो उसको, अपने ले लो। तो अभी जो है हम खा लिए हैं और डुगू को भी मन है कुछ कुछ खाने का, लेकिन डुगू के लायक तो यहाँ कुछ नहीं है। उधर चलेंगे तो डुगू को खिलाएंगे। देखिए क्या खा रहे हैं, मंचूरियन। ये मंचूरियन खा रहे हैं, तो भी इनको खाने के बाद हम लोग जाएंगे वहाँ प्रोग्राम देखने के लिए। देखिए तो अभी देखिए तुरंत इसको दिखा लगे गए पानी पीने के लिए, इसको पता नहीं है कि हम उसका वीडियो बना रहे हैं। गए हम लोग रूम पर और अभी देख सकते हो डुगू के हाथ में क्या है। डुगू के हाथ में है आज क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ डुगू। ये देखो दिखा रही है, डुगू के हाथ में है बड़ी और हमारे घर आज बन रहा है दही की कढ़ी और चावल। तो ये मेरा फेवरेट है, आपकी फेवरेट भी होगी, मतलब खट्टे वाली दही मुझे काफ़ी पसंद है उनकी कढ़ी। और हम लोगों की मीटअप हुई थी एक बिहारी जो बहुत ही अच्छे यार रील्स बनाते हैं छठ पे, उनकी रील्स लोगों के मन मोह लेती है ना। और देखो खुश बाबू हमारी, देखो इस कपड़े में कितनी क्यूटी लग रही है ना। अब कोई बकरी अगर साथ आ जाएगी तो धनिया पता समझ करके इनकी सारी कपड़े को खा जाएंगे क्या करें। बोलो सबको हैप्पी न्यू ईयर, बोलो बोलो, नहीं बोलेगी। चलिए आपको खुशी से मिलवाते हैं। हम फाइनली आ चुके हैं किचन और देख सकते हो खुशी इस साइड बन रहा है मेरा फेवरेट। मेरा भी फेवरेट, मतलब कि खट्टी वाली कढ़ी, मतलब दही वाली कढ़ी, और यार मन मोह लेता है दही वाली कढ़ी। देखो खुशी अभी इधर कितने टेस्टी, मैं अभी मसाला भून रही है और ये देखो दही और ये देखिए बड़ी काफी प्यारा है। और आपकी नई साल मतलब अच्छे से गुजरे, पिछले साल के अलावा आपको जो भी चीज जो भी अचीवमेंट आपको नहीं मिली हो हम लोग भगवान से दुआ करेंगे। हम लोग तो वेजिटेरियन है तो हम लोग उन सब चीज़ों को नहीं खाते हैं और किसी भी चीज को आज कष्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर है उसी तरह सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर है ना। बाकी जो भी अचीवमेंट आपकी 2022 में पूरी नहीं हुई हम लोग दुआ करेंगे भगवान से कि 2023 में आपकी सारी अचीवमेंट पूरी हो जाए। और 2022 में बहुत कुछ दिया, जैसे कि आप लोग हमें 2022 में ही मिले, जितने भी लोग हमें जानते हैं वो हमें 2022 में ही मिले क्या। हाँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी कि आप लोगों का साथ 2022 में ही मिला, और आप लोग के आका अगर सपोर्ट रहा तो 2023 में भी हम सोच रहे हैं कि क्या जो जितने आप लोग अभी हो हमारे 2022 में पूरी कंप्लीट फैमिली उससे दोगुना करवा देना 2022 में। बस यही एक आखिरी इच्छा है हमारी, आखिरी नहीं मर नहीं रहे हैं कि आखिरी इच्छा है। कहते हो ना कि एक पीछे लग जाता है कोई चीज़, वो ये है, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती हम लोगों की। अभी देखो खुशी खाना बना रही है तो इनके पीछे भी पड़ी हुई है, आपको बड़ी खिला रही है, खिलाओ सबको बड़ी खिलाओ। और इनका सबसे ज्यादा हंसी हमको इन चीजों को देखकर लगता है, अगर कोई बकरी दिख जाए ना पक्का इनका पत्ता खा जाएगा और इधर देखो कटिंग। आप लोग अगर घर पे बनाते हो तो बताना जरूर कि चावल कितना जल गया आप किधर से आ रहे। और इसमें देखिए खुशी अभी डाल रही है, कैसे कहाँ करके, एक सेकेंड वो अभी उधर ध्यान देने लगे थे ना
नहीं 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 जला है अभी, ठीक है देखो चावल अभी जला नहीं है, तो अंदर में पानी होगा तब, लेकिन बचा हुआ है। आंटी आ गई बगल वाली, और देख सकते हो हमारा इधर कढ़ी अभी कितनी कलरफुल दिख रही है, कितनी टेस्टी लग रही है अभी देख करके ही क्या। और डुगो देखो इधर नाना से बात कर रही है। घूम घूम के किस तरह बात कर रही है, इधर देखो वो कितनी शांत बैठी है यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इनको देखो कितना डर लगता है। इधर दिखाओ, देखो इसमें खुशी के मोबाइल में ये YouTube पर कुछ वीडियो सेव हैं, आप किस नीला में पुतना को जानते होंगे, देखो उनका कुछ वीडियो सेव है यहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट, वन मिनट, वन मिनट लेटर, रुको डुगो सॉरी। एंड देखो लाइक वीडियोज़ में हम चले गए, और देखो यहाँ पर ये देखो, ये देख सकते, ये देख रहे हो ना ये वाली, देखो बाबू के पास ले जाएंगे अभी इनको। दुग्गो दुग्गो ये लो देखो डर से भाग गई, और मैं इसको अगर प्ले कर दूंगा सो देखो इनको कितना डर लगता है, उतना का थंबनेल देख करके ये डर जाती है, अभी भी रो रही है उसी डर से। अरे बंद हो गया, आप मोबाइल में था ना। हाँ, और इनको इतना अभी डर लगा था, ये मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी, तो अभी मम्मी के पास लेके आया है इनको। और ऑलमोस्ट हमारी जो कढ़ी है दही वाली वो बन के रेडी अभी जस्ट होने वाला है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, और खनक रहा है तो कितना प्यारा लग रहा है ना। और इनके बाद खुशी इसमें क्या लगाती है, छौंका हमारे मैथिली में मतलब छौंका ही कहा जाता है जो है ना, इसको खाने में बनाने के लिए काम लगाना पड़ेगा, जिसमें मिर्च प्याज लहसुन वगैरह, मिर्च प्याज का नहीं, मिर्च और जीरा और तेल और मिर्च पाउडर का छौंका अच्छा लगता है, मिर्च पाउडर का छौंका। हाँ तो वो अच्छा, अच्छा तो आपको दिखाएंगे किस तरह छौंका लगाते हैं, आप भी बनाना बहुत ही टेस्टी बनेगा। देख सकते हो यहाँ खुशी अभी इसमें छौंक लगाने के लिए रेडी कर रही है, इसमें तेल को गर्म कर रही है यहाँ, और देखते क्या जल जाता है ये ना, मतलब इसको अधिक करता ना वो जल्दी जल जाता है, इसलिए इसको पहले से रेडी रहना। और इधर देखिए पुतना को कितना डर लगता है, ए पुतना 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 ही है। और देखिए हाथ में रखी है मिर्च की पाउडर, और आग लग जाएगा उसमें नहीं। और ये देखो बिहारी स्टाइल में छौंका, हम तो पहली बार देख रहे हैं इस तरह की छौंक तुम आओ, अब देखो कलर कितनी प्यारी लग रही है यार, इसको देख एंड गाइस देख सकते हो हमारी टेस्टी कढ़ी जो है वो बन के तैयार है, और खट्टी वाली यार काफ़ी मस्त लग रही है देखने में, खाने में तो अलग ही टाइप की लगेगी। और बाबू को देखो उधर, और खुशी भी यहाँ बैठी हुई है बाबू धनिया का पत्ता पानी, अगर आपको धनिया पत्ता की ज़रूरत हो तो ये दे सकती है, धनिया पत्ता लग रहा है। बाकी देखिए खुशी अभी अभी टोटल बिछावन को लगा लिया, बड़ी ठंडी है बप्पा कंबल ओढ़ के सो जाओ। और ये देखो इनको देखो इनको भी मजा ये देखो। सो गाइस कैसी लगी हमारी ये ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बधाई आपके और आपके परिवार को हम दोनों की ओर से, एंड आपकी जो भी अचीवमेंट हो भगवान उनको 2023 में ज़रूर पूरी करे, एंड आप लोग भी सपोर्ट करना 2023 में, 2022 में भी काफ़ी सपोर्ट किया आप लोग, और आपके लोग की वजह से ही बहुत कुछ जो बहुत थोड़ा बहुत लोग जाना मुझे वो आप लोग की वजह से ही, और आप लोग से भी मुलाकात हमारी 2022 में ही हुई थी, तो 2022 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2023 भी हमारे लिए आप लोग चाहो तो इंपॉर्टेंट बना सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।